हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है फर्स्ट एड किट और मेडिसिन बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन पे। अक्सर ऐसा होता है कि घर पे कभी किसी को अचानक से सर्दी, जुखाम, बुखार या पेट दर्द या सर दर्द होने लगता है, या कभी छोटे मोटे कट्स और बर्न्स आ जाते हैं और उस वक्त ज़रूरत की दवाइयाँ नहीं मिलने की वजह से काफ़ी तकलीफ होती है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने अपने फर्स्ट एड किट में क्या रखा है और अपने मेडिसिन बॉक्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्टोरेज। सो यहाँ पर मैंने दो बॉक्सेस लिए हैं। एक बॉक्स मैंने फर्स्ट एड किट के लिए लिया है, जो कि ये प्लास्टिक बॉक्स है, और दूसरा बॉक्स आप आगे वीडियो में देखेंगे, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जो मैंने मेडिसिन बॉक्स के लिए यूज़ किया है। मैंने फर्स्ट एड किट और मेडिसिन बॉक्सेस को अलग बनाया है। कोशिश कीजिए कि मेडिसिन को फर्स्ट एड किट के साथ मिक्स ना कीजिए। बॉक्सेस के बाद यहाँ पर मैं एक छोटी सी लिस्ट बना रही हूँ जो सामान मुझे फर्स्ट एड किट में चाहिए। यहाँ पर मैं सारी दवाइयों को सेपरेट कर रही हूँ, जितनी भी कैप्सूल्स, टॉनिक या चूरन, किसी भी तरीके की खाने की दवाइयों को अलग कर रही हूँ और फर्स्ट एड किट की दवाइयों को अलग कर रही हूँ। फर्स्ट एड किट यानी कि इमरजेंसी मेडिकल किट, अगर आप डॉक्टर या हॉस्पिटल से दूर हैं तो ये इमरजेंसी किट आपको कुछ वक्त के लिए संभाल सकती है। और इस वक्त जैसे कि पूरे देश और दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं अपने फर्स्ट एड किट में रख रही हूँ वो है ये ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर के साथ मैं ये थर्मामीटर भी रख रही हूँ जो बुखार नापने में काम आता है। लॉकडाउन की वजह से सारा काम, चाहे ऑफिस हो या पढ़ाई, कंप्यूटर और मोबाइल के थ्रू ही हो रहा है, जिसके वजह से घर वालों की आंखों में स्ट्रेन आ रहा है। सो आपके फर्स्ट एड किट पे एक आई ड्रॉप तो होना ही चाहिए। उसके बाद मैंने एक कॉटन बोर्ड का पैकेट भी रखा है। छोटे मोटे कट्स और बर्न्स के लिए मैं यहाँ पर एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट और बर्नॉल रख रही हूँ। हेडेक के लिए अमृतांजन का ये एक रोल ऑन रखा है मैंने। अपने फर्स्ट एड किट में एक अच्छी क्वालिटी की कैंची ज़रूर रखिए, वो बैंडेज करते वक्त काम आती है। बड़े हो या बच्चे, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, सो उसके लिए आपको कुछ बेसिक बैंडेज की सामानें रखनी है, जैसे कि एडेसिव बैंडेजेस, नॉन एडेसिव बैंडेजेस और रुई। बैंडेज के साथ मोच और लचक के लिए आप क्रेप बैंडेज भी रख सकते हैं। बैंडेज के बाद मैंने अपने फर्स्ट एड किट में रखा है ये एक एंटीसेप्टिक पाउडर जो रैशेस को क्योर करता है। मैंने फर्स्ट एड किट में ये एप्सम सॉल्ट रखा है जो किसी भी तरीके के मसल सोरनेस और थकान को दूर कर देता है। एप्सम सॉल्ट को बाथ सॉल्ट भी कहा जाता है। मैंने अपने फर्स्ट एड किट में ये लौंग का तेल रखा है जो दांतों के दर्द के वक्त काम आता है, और एक छोटी बॉटल विक्स वेपोरब रखी है सर्दी के लिए। यहाँ पर मैंने बैक पेन के लिए भी मूव की एक ऑइंटमेंट रखी है और एक रोल ऑन रखा है अमृतांजन का। एलोवेरा के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से तो हम सब वाकिफ हैं, तो इसलिए मैंने अपने फर्स्ट एड किट में एक एलोवेरा जेल की बॉटल भी रखी है और उसके साथ मैंने एक टिश्यू भी रखा है। टिश्यू के साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ इस वक्त है वो है मास्क। मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मास्क रखे हैं। मैंने ये एक्स्ट्रा मास्क को इस ब्राउन पेपर में स्टोर करके रखा है। ये मास्क आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होंगे। मैंने यहाँ पर जो भी कोई मेडिसिंस फर्स्ट एड बॉक्स में रखी है उसकी पूरी लिस्ट मैं इस बॉक्स के अंदर बनाकर रख रही हूँ, ताकि फैमिली के हर मेंबर को पता रहे कि इस बॉक्स में कौन कौन सी मेडिसिंस अवेलेबल है और इमरजेंसी के वक्त उन्हें इधर उधर ढूंढना ना पड़े। एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, इस बॉक्स को बच्चों से दूर रखिए, लेकिन ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर फैमिली के हर बड़े मेंबर को ये बॉक्स ईजिली मिल जाए। फर्स्ट एड बॉक्स के बाद अब हम बनाएंगे मेडिसिन बॉक्स। मेडिसिन बॉक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है। मैंने इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को रीयूज़ किया है और इसे एक मेडिसिन बॉक्स का लुक दिया है। ये कार्डबोर्ड के बॉक्स को थोड़ा मेडिकल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लस साइन बनाई और एक्रिलिक कलर से मैंने रेड कलर में इस प्लस साइन को पेंट कर दिया। इस बॉक्स को और स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने इसके आसपास मास्किंग टेप लगा दिया।
फ्रेंड्स, फर्स्ट एड किट में मैंने किसी भी तरीके की खाने की गोली नहीं रखी, किसी तरीके की टॉनिक नहीं रखी, चूर्ण नहीं रखा, वो सारी चीज़ें मैं इस मेडिसिन बॉक्स में रखूंगी। अगर आप फर्स्ट एड किट में दवाइयाँ रखना चाहते हैं तो उन्हें ब्राउन पेपर बैग में या प्लास्टिक में रैप करके रखिए। मेडिसिन बॉक्स में मेडिसिन स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये स्मॉल ब्राउन पेपर बैग्स और मिनी प्लास्टिक बैग्स। मैंने मेडिसिन बॉक्स में सारी दवाइयों को अलग अलग रखा है। विटामिंस की गोलियाँ एक साथ, ये बुखार की गोलियाँ मैंने एक साथ रखी है, ये दवाइयाँ गैस और स्टमक अपसेट के लिए है, ये जो पाउडर है ये इलेक्ट्रोल पाउडर है फॉर सम इंस्टेंट एनर्जी, और ये पेन किलर्स। और यहाँ पर मैंने एक चूर्ण रखा है और शहद की बॉटल और एक सीतोफलादी की छोटी बॉटल रखी है जो सर्दी खांसी को क्योर करने में काम आती है। अब इन सारी दवाइयों को मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी मेडिसिन बॉक्स में। मेडिसिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले ये जो खाली पत्ते हैं उन्हें काट के अलग कर दीजिए। हर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक करते रहिए। अगर मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है या एक्सपायरी के नज़दीक है तो उस मेडिसिन को फेंक दीजिए। मैं इन सब दवाइयों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ इस ब्राउन बैग में। तो मैंने ये पेट की जो गोली है उसे ब्राउन बैग में रखा है, और जो बुखार की गोली है उसे दूसरे ब्राउन बैग में रखा है, और जो विटामिंस की गोलियां हैं उन्हें एक साथ एक ब्राउन बैग में रखा है। साथ ही साथ मैंने जो इलेक्ट्रोल पाउडर है उसे प्लास्टिक के बैग में रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोल पाउडर कभी कभी लीक हो जाता है क्योंकि उसमें हल्का सा नमक भी होता है। मैंने जितने भी मेडिसिन के पैकेट्स बनाए हैं ब्राउन बैग में उनको मैंने नेमिंग कर दिया है ताकि घर में सबको आसानी हो उन दवाइयों को ढूंढने में। और उन दवाइयों के नेमिंग के बाद अब मैं उन मेडिसिन को मेडिसिन बॉक्स में ऑर्गेनाइज करूंगी। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बॉक्स मेरा एक DIY प्रोजेक्ट है। ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है इसको मैंने रीयूज़ किया और इसको हल्की सी छोटी मोटी क्रिएटिविटी यूज़ करके मैंने इसको एक मेडिसिन बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। आप अगर मेडिसिन बॉक्स बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अलग से बॉक्स ख़रीदना हो, आप ऐसे भी बॉक्स को रीयूज़ करके मेडिसिन बॉक्स बना सकते हैं। इन सारी दवाइयों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैंने ये डिब्बा बंद कर दिया और उसके ऊपर नेमिंग कर दी एज मेडिसिन बॉक्स। फर्स्ट एड किट और मेडिसिन बॉक्स के साथ मैंने कुछ दूसरी उपयोगी चीज़ें भी रखी हैं, जैसे कि ये हीटर और हॉट पैक। और हीटर और हॉट पैक के साथ मैंने रखा है कूल पैक, जो कि मेरे हस्बैंड को उनके डॉक्टर ने रिकमेंड किया था फॉर नी पेन। फर्स्ट एड किट मेडिसिन बॉक्स के बाद मैंने एक सैनिटाइज़र किट भी बनाया है जिसमें सारे सैनिटाइज़र्स होते हैं। एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, सैनिटाइज़र्स को फर्स्ट एड किट और मेडिसिन बॉक्स में बिल्कुल ना रखिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारी सारी वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो डेफ़िनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो लाइक बटन को भी हिट कर दीजिएगा। दिस इज़ विभा साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।